ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਓ ਕਦੇ ਪੇਟ ਕਰ ਕਦੇ ਨਿਮੋਨੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟਾ ਕਦੇ ਕਿ ਜੇੜ ਜੀ ਤਰ ਬਹੁਤ ਤਰ ਟਾਬ ਰਹਿ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਵੱਲ ਲੁਗਾਈ ਤੋਂ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਸ ਹੋ ਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿਉਂ ਕਿ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਾਲ ਮੈਨੇ ਕੱਢੋ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਾਣ ਕਿਸਤਾ ਮਾਰਨ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੁਗਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇ ਕਟ ਗਈ ਪਰ ਕਿਆ ਟਾਈ ਬਾੜੇ ਬਾਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸੇ ਜਣਾ ਮਨ ਬੇਰੋ ਚੱਲਿਓ ਕੋਲਾ ਸੋਲਾ ਬੁ ਬੇਟੋ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪੂਤ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਿੰਨ ਮਗਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਲੋ ਛੱਤ ਪੀਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰ ਲੈ ਆ ਚੰਨ ਕੱਟ ਕੱਢੀ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਮਾਰੇ ਪੀਟਾ ਕੋਈ ਗੁਨੇ ਇਹ ਲੋ ਫੁਲਕ ਦੋਰੇ ਸਾਮਾਨ ਗਾਦ ਲੇ ਗਜ਼ਰ ਜਨਾ ਪਾਤੇ ਬਾ ਬਰਾਨਾ ਆਈ ਗੁਨੇ ਇਹ ਲੋ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾੜਨੀ ਨਹੀਂ तरुण था देख रहा हूँ झलको सीकर। आज से कुछ समय पहले आप एक वीडियो रिकॉर्ड करो तुलसीराम जी सेमी चौकड़ी चढ़ा के पास के मायने जगह को आरोप होगी बाकी बेटी सुमन जगह की शादी हुआ है माउंडा के मायने और बाकी ऊपर परिवार वाला के ऊपर आरोप लगाया जाए बाकी ससुराल पक्ष के ऊपर संदिग्ध अवस्था के मायने बॉडी मिला है रेलवे ट्रैक के ऊपर भी कोई आरोप बाकी ससुराल पक्ष पर लगाया जाए कि भाई बहबा ने मार के और ट्रैक पर गिर दी। तो फिलहाल जो बाकी ससुराल पक्ष है बड़े में मौजूद हूँ बाकी फोन कॉल के आधार पर अटे पूछे हाँ और वह आपकी बात रखवा के लिए और बाकी जो क्वेश्चन हम अगर जवाब देने के लिए आपने बुलाए तो आप बातचीत करना था वीडियो शेयर करना है साथ में कोई भी बात है कोई भी आरोप है भी को अपा पुष्टि है बाकी उनको जाँच के विषय जाँच के बाद में इसलिए सच्चाई है बस सामना होगी वीडियो का शेयर कर देना और लास्ट तक बने रहना। सुमन जी के ससुराल वालों में एक बार परिचय करवा दू ठीक है लागू सुमन जी का सासू लागू ठीक मम्मो चेरा भाई ठीक माँ की घरानी और थे मैं सुमन का देवर हूँ मैं और वह यह उनकी बहन है ये बहन है जरा हाँ जी बाकी सब पहले आरोप तो यो कि थे बाकी साथ मार पिटाई करता और लास्ट मोमेंट के मायने बजे दर घर आऊ तो थे बिन मार पीट करके और रेलवे ट्रैक के ऊपर डाल दिया। नहीं जी ये झूठी घटना है और ये घटना थी उसकी एक समय उसी टाइम उस दिन की हमारी तारीख थी कोर्ट में तो उसमें मेरे पापा मेरा मोशेरा भाई था महेंद्र और उसका पिताजी वो तारीख पे थे उसी टाइम और उस टाइम मेरी मौसी और मेरी मम्मी थी वो यहाँ नरेगा में हाजिरी पे थी उस टाइम नरेगा में काम कर रही थी और मैं और मेरा घरवाली थी और हमारे पास एक मिस्त्री था मैं मुर्गी फार्म का काम चला रखा था उस पर काम कर रहे थे वहां हमारे पास में एक बकरी चरा रही थी एक लेडीज वो भी थी वहाँ पड़ोस में जी टाइम घटना हुई जी टाइम थे गड़िया थे क्या कर रहा मैं जाल खेच रहा हूँ थोड़े घराई है घराई और थारी घराली भी थी भी ठीक है हाँ मैं भी अड़े है मैं दोनों जना और एक मिस्त्री हूँ मारकन मैं जाल खेच रहा जना जाल खींचता खींचता मारकन फोन आयो कि एक लुगाई ट्रेन से कट गई बोले जी टाइम बहु घर घरालो कर कि भाई मैं पहला थारकन आया अड़े घर आया वो बाहर में रहता लेकिन मैं अड़े घर आया बाद थे साथ मार पिटाई करी नहीं पुलिस दोबारा घर से गया जना बाद में घराना आया ही कुनी मैं तो देखे ही कुने बन जना बाद में मैं तो बस अचानक यह सुने था दूसरे दिन कि एक ट्रेन से एक लुगाई कट गई पर मैं मारकन फोन आयो बोले कौन कट गई ये बोला कि फोटो तो भेजो मारकन कौन थारी भाभी है बोले मारी भाभी तो एक तो रूपावास में रह लगी और एक मारकन है जब बोले फोटो भेजो मारकन दिखा कौन है पर मैं फोटो देखी जन मैंने बेरो चालियो की मारी गया ही है भाई और मारी सासू बाहर गाली बोले मेरे तो वीन नहीं कट गई बोले क्या टाई बाड़ी बात चली गई है डस चढ़ा मन बेरो चालू बिल्कुल थे जी टाइम थे बड़े यहाँ मौजूद नरेगा में था मैं 26 तारीख में हाँ नरेगा में थी मन तो जनाड़े तो बेरो भी कौन लगी और दूसरे दिन भी मन तो कोनी पतो लगी हूँ देखो ये भी नहीं का छोटी का दो भान भाई थे तो वो मन बोला रोटी खाऊंगा मैं बन पांच रोटी भी बना दी वो दो रोटी तो दोनों भान भाई खा लिया और तीन रोटी में दर दी और भी की पास लाश ले रहा है जन भी मन पतो चालू पास मैं बाहर गाली जना मैंने ओला सोला वो बेटो भी गाल काटी तू ही तो मार कूट के काटी चीन मगर बाप ने बोलो थे फुलसिन बलार ले आया मैं चाट काटी ची था ना फुलस के दोर फुलस भी बोले भाई थे राजी माँ तेरा बेटा वो बड़े नीम का थाना स्वागत कुंजे वो रही रहेगा और तू भी राजी ए भी राजी तीन चार महीना का मान दे जी तेरा बेटो वो तेरा कन्ना उल्टा आप ऐसा जाएगा थे राजी राजी रोगा जन मन फुल छाल पर कर दिया ट्रैक्टर की आड़ी भी पड़ी थी मन पर ठा दिया बस बस सामान लेगा भी को एक बाप आयो भी को फूफो आयो भी को भाई आयो दो तीन और आया पीर का एक फूफा को लड़को आयो और बतो को बोल यार को चल आयो भी कुछ पूछा भाई नहीं वो मन भी समझा था बिनी भी समझा था वो फैसलो कर जाता और बतो बस जार गमय गमय साल में जार कर सामान ने भेड़ो ट्रैक्टर मेरी एक ले रहा था हम गाल सामान तो पार बोलिया बतो के कारण गया बैठा हूँ घर छोड़ के क्यों गया लड़ाई को दिन करता सास ताई जन पर लड़ाई को दिन कर करार पाचा बतो
जकी भी मैं तो क्या देखू देखो नरे गम चली जाती तो लड़ाई भाई करता दोनों आदमी परिवार वालों कहना की भाई ठीक करता उनसे लड़ाई नहीं मैं कोई करी देखो सही बहन ने बूझ ले ये बड़े चीज मन मारी भी छी ना गेरी भी छी वो देखो मन मारिया ही कोने या लोग तारीख मारे गए था और मैं दोनों बहन मारिया गम छी और ए तो मैं बार गाल थी ना जना ए कौन जाता या बहन जाती छोटा बात है बस भाई मत ऐनी का बेटा भूभी नट जाता पण याद जाती जरा मत मेरे तो बहन से। अच्छा जमीन को की विवाद हो जमीन का विवाद में लेके आज से कुछ समय पहले भी केस हो रहा है जमीन तो देखो लड़ाई झगड़ा को मायने बया बोला मैं तो दो बड़ा बड़ा बेटा था बड़ा बेटा कौन सा जना वो छोटो बेटो जना मजदूरी को मैंने कोर्ट में फोन कर बुझा जना बोले पांच बजे पहले आ जाओ जना जमीन दो जना कौन ले जना भी छोटा बेटा ने बोले मैं भाई तू करवाया पाचा तीन भाई सुलटे ली जो थे मको में हमारी मजदूरी में करवाया था जना वो खई हो गई जो अस भाई इन खई हो जाओ दो जना पैसा कर लो थार जमीन नाव करा दे शुरू मन कौन सा जमीन तीन जना ले मैं भी बोली अरे भाई क्या तो एक साल वाली जो और नहीं के पैसा जमीन बराबर का भाई वो कुमार हो जाए मैं बोली बराबर का भाई बराबर कर लियो चाहे माने भी दोनों आदमी मन दियो सारे जज तो दियो नहीं मन दियो और थे तीनों जना बराबर कर लियो का तीन कुडा कर लियो थे लड़ाई होते मन करो और गाल मने काटो इनकी गंदी गंदी गाल काटता थे गाल मने काटो मुख तो मुकेश जी तर बेटा ही मगर नाम क्यों खून करी जमीन जमीन खरीद ना कोई मारे लड़ाई हुई होड़ी थी जब भी मजदूरी कमाइन बोले मकान भी मारा इसे नाप बात लिया जना अरे मकान भी मारा इसे जमीन भी मारी भी मजदूरी कमाइन जमीन हुई भी छोटा लड़का का नहीं तो क्या टो होती है जमीन नहीं तो जी टाइम थे कुछ बैठा तो मुझे ना तो सुलटाओ तो करनो चाहे कत्तो बड़ो चकड़ा की जड़ोगी है सुलटाओ कौन सो दोनों बेटा ही कौन सा है अड़ी घराने जना वो छोटो बेटो करे छोटो बेटो के नटरी से मैं कुने राखो आ देखो देखो दस ग्यारह की अड़ी बिकी अरे बाढ़ कर मेली देखो थे और दो जूफा बड़ा मेले दो मकाना का मायने बस सामान गेर मेले बकरी मो बांधती मायने बरिंडा में तो बकरी वा बांधती बार न खूंटा गाड़ मिले बकरी बांधती कतरी दूर महीन गेर मिले और बाबू पिता से जो फुलसी का मुंडा का सामान घाल लेगा जन बह बोले कहे यहाँ कुंड रो के जगह मकाना में नरे तो कहते ऊपर छात माले पट्टी पड़ी और बाठा पड़े आगे से मकान बना लियो कहते देखा कुंड रो के बिल्कुल भाई मुकेश जी को यू कहना होगी भाई माने मार के पीट के ठेऊ काटा और मैं डर के मारा पुलिस ने लेके गया सामान ले बगले तो मारे पीटिया को ही कुने ये वो फुल का दौरे सामान गाल लेगा सर जना पाछे बा घराना आई कुने ये लियो बिल्कुल ओ सेम आरोप थार पर भी लाग रहे हो कि भाई थे देवरा ना थारो पर और थारो पर कि भाई थे बन मार पीट के जी टाइम पे भाग गए आपकी जान छुड़ा के बाद में नीम का थानों में पुलिस लेके आई और आपको सामान लेके गई नहीं मैं गया ही उस टाइम में ये लड़ाई को दिन गाड़ कर बाप मान पता ही आकानी में गया भी और नहीं ही देखो थोड़ा दिन पहले मैं मेरे बहन की शादी करी थी तो मेरे बहन की शादी का मायने भी न तो मेरी मौसी आई न मेरे ताऊ जी आया न मुकेश और ये महेश इनके घर से कोई भी नहीं आया था शादी के अंदर भी नहीं आई ये मेरा मकान भी है जो भी मेरा अलग है मेरी जमीन है वो मेरी अलग है नहीं इनकी तरफ मैं जाता और ये लड़ाई भी करते ना तो मेरी माँ ही जाती थी मेरे पास माँ के पास में ये मेरी मौसी थी ये आ जाती तो ये मेरी माँ चली जाती इनको छुटाने के लिए बाकी आज तक भी मैं इनके घर नहीं गया और चार दिन पहले हाँ। लड़ाई हुई थी ना उसमें तो हमारी सास भी नहीं गई थी और हम दोनों भी नहीं गए थे तीनों आदमी नहीं गए थे उस दिन लड़ाई हुई थी तब फिर तो नाम क्यों आ रहे अब ये तो वो ही बताए कि कैसे नाम आ रहा है हमारा पुलिस भी आई पुलिस के सामने भी मैं बड़ी मौजूद हूँ गया क्या अपन कोई मतलब कुनिया का घर सा तो हमेशा यू ही झंझट चलते रहे और हमारी शादी ना 10 साल होगी 10 साल से मैं तो यू ही देख रही हूँ बन कि हमेशा बाकी घर में झंझट चलते ही रहते हो जिससे मैं दूर ही रहता बस है बिल्कुल बाकी देवर बातचीत करें भाई थारो पर भी आरोप लग रहे हो कि थे भी ये लड़ाई झगड़ा में शामिल है और मारपीट के मैं भी थे शामिल है नमन मत को मारपीट करो को नर और मरी जनाडा मशीन देर गेड़ो सो गन्ना की गेड़ा माकड़ी फाटक के काम करो थे मशीन चलाता हूँ गन्ने की तो और एक बार आरोप है सीधो सीधो की भाई जी टाइम ये पूरा प्रकरण के मैं थे बाकी बाढ़ ने लखो दी छुपा दी ना तो मैं छुपाई और ना कान लखोयो भी गुना इसकी दवाई चल रही है तो दवाई दवाने के लिए जयपुर गया हुआ था क्या की दवाई चल रही है इसकी दिमाग की दवाई चल रही है क्यों कहोगे दिमाग में दिमागी टाबर पड़ा में पहले से चोट लगी हुई है तो मैं दवाई दवाने के लिए गया था तो वहां 2-3 दिन लग गए दो तीन बाद मेरे घर पे आ गया था हाजी राम राम के नाम है हरू सीधा जी तारी बहन अरे आया आगे जी टाइम थर पतो है कौन है और तो कौन बतन देखा के तो ए तन को गोली वोली भी दिखोगे ना उन दिया मन गोली तो तन पतो तारी बहन के बोल भी कही है जी टाइम लड़ाई हुई ना मार मारता के तारी बहन ने मारता के तारी बहन ने मैं लड़ाई तो लड़ाई करता मैं मार क्या की लड़ाई करता आई आप तेरे का माने क्या की बात ने लेगी अब मन तो कौन दे रखा है तो दानी कौन देता ना मारता भी है
बता रहा कि भाई को कपड़े ले बाहर आया चौकड़ी दो साल के जाओ ले को 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 मारता भी सुमन जी नहीं कुन मारता नहीं आप लड़ाई करता मैं क्या बात में लेके लड़ता आप मुकेश जी को एक आरोप और भी होगी भाई मेरा माँ बाप अशोक जी आगे घराली और थारा बेटा देवर बंगा ऐसे मिलके ये चीज का जिम्मेदार ही बाकी वजह से घटना हुई है नहीं कोई निशानु देखो मन के मेरा बेटा बहुत बुरा लागे से जो मैं मार दू मैंने बारह कदी से मार दू मैं मार दू बने मन बुरा लागे से खबर गुरु मार दी मारती जन मैं आज तक कोई मारी बन थे आया खोगा बाबा शानु थे आया खोगा मैं तो देखी कुने मेरा ताला कुछ पड़े रहता नरेगम चली जाती रिफाजा रिता चली जाती मैं तो शाम की आती अरे आप बोली डोली बहन छी इको अरे मेरे गणु छोर लेगा से 5-7 लाख को जना बस सामान घाल लेगा चढ़िया पुलिसन बुलार नहीं बस पहली लड़ाई गोदिम करता कदे ही कुछ नहीं हाँ गण लेर गया जना घर सु निसरिया से हाँ नहीं वो घर सु को निसरता धरी बिल्कुल नई बात निकल के आई है तो थान पतो को नहीं हो कड़े कोई लोकर वगैरह रखेड़ो को नहीं हो गणु भी क्या देखू मैं पण बब्बी की लाश ले रहा है ना जनाड़ी एक तो खुद जे ठाणी अरे एक बड़े सुसरा की बेटा की बुजुर्ग को बड़े बिन लेर गए मन तो मार कूट के बाहर न काट दी अरब टाबर से नहीं एक अब बच्चा बेका जब माँ का जब ताई हर संजी की बराना माले रड़ी भी हेरा ढूंढा करी जो को हेरा ढूंढा करिया अर 8,000 तो बाया का अर 20,000 का बाप का चाहिए बड़े ऑफिस का मायने खुआ देंगा थे यहाँ खोगा पहले दिन वो छोट के छोरो ले रहे थो जो बने ये देखा तारीख माले चले गए अरब दोपहर पास था डम्फर माले जा बात है जो बन गाली एक थैली में और बन पलेट और गोली दुआई लेता झाड़ू पड़ा रहता है जो को भी थैली का मैंने गहल और पाछे भी आप थैला का मैंने गाबा के नीचे देगा अभी ने ले रहा है नाड़े जन मन तो बाद फूको और बुआर मार कूट के मन तो बाहर ने काट दिया और बैरे हेरा ढूंढा करे जो पैसा तो हाथ लग गया मारी जेठानी का एक तो बड़े ससुरा का बेटा की वो करे खुद जेठानी का हाथ लग गया भाई पाछे मैंने थाना में सु फोन करा भाई अस भी थे लगा मैंने पैसा देख जी अब देखो बड़ी थाना में तो पैसा चाहिए जो बोले कि पैसा देख जी ना मैं भी देखा गाबा गुबान जड़ कर जाना मैं तो जगह साफ से ना कि तू और भी देखते रहो क्यों मैं करी और के छे के दे ले जाबा तो के ले जाए था मैं बिन 7 दिन होगा जना मैं मेरे यहाँ खुद ही मेरे यहाँ देखा तो शीरो देखा तो मैं बक्सा ने खोल देखी तो भी मैं डबीर पनीर गणा की काट काट गेरेड़ी अरे सारो सो क्यों सामलेगा जन्म तो बार गली रे बारे बात मर भी गिर मार भी गिर थाना में भी दिवा दिया सारा जन ही निसर गया चढ़िया सुन निसर कौन जाता पण वे ई कारण निसर गया छ भाई शानू देखो लेके कौन देवन लेके बड़े कोई नजदीक का वो ट्रेन का सामने कोई मकान ही बंबई लेर गया बतावे है और वो तो मान बेरो भी बिना कौन सिन लेकिन वो डॉक्टर के पास अड़े रेलवे बालाजी फाटक पर मक्खन डॉक्टर है उसके पास में लेके गए बताए वो बता रहे हैं जी टाइम सांस अब हम हाँ वो डॉक्टर भी बोला कि मेरे से बोली भी है एक बार कि मैं बिडानी की हूँ तक बोल रहे हैं तो थाने का पता चला है अब देखो बाप बिन बी की बैठक लेगी शनिवार बडेर ससुराल बेटा की पूछा थाने पत्तो को तो चल है मैंने तो देखो जनाडे बेरो तो जनाडे चाल को जब आई बोलिया बाबा ही बोली जना मोड़ी सोड़िया नहीं बोली मैं खाए भाई या कैसे कदे या तो झूठ बोल रहे कदे की के थाने कौन दी सूचना मन तो वो कोई चाचा बाबा है जो वो बताई थी घटना हुई उसी टाइम को मैंने मेरी मम्मी ये और मेरी मौसी ये तो नरेगा में थी जिसकी ये रिपोर्ट है और मेरे पापा और मेरा मौसेरा भाई था एक वो महेंद्र मुकेश का भाई जो और उसके पिताजी वो कोर्ट में तारीख पे थे उस टाइम वहां भी चाहिए सीसीटीवी कैमरा है उसमें रिपोर्ट निकाल के देख लो और उसकी मैं और यहाँ मुर्गी फार्म का काम कर रहा था मेरे में शायद एक मिस्त्री था एक यहाँ बकरी चरा रही थी पास में खेत में वो भी थी यहाँ बिल्कुल बाकी परिवार को एक आरोप और भी हो कि थान कुछ समय पहले पाबंद कर गया जमीनी विवाद में लेके पुलिस द्वारा फिर भी बाद में विवाद क्यों बढ़ो
पहले क्या हुआ घटना क्रम? विवाद, उसके बाद में तो कोई विवाद को नहीं हो। पहले क्या घटना ही हुआ? अब पहले को तो मान बेरोगे ने क्या घटना है? घरेलू झगड़ा के चक्कर में हो रहा किसी टाइम भी? हाँ, मैं सांझ ने भी घरेलू झगड़ा का मायने केस कराया है। और पहले वे ऑपरेशन कराया वो बम कोई गांठ ही वाके जन वे ऑपरेशन तो बाद में कराया और पहले केस कर गया रे कि मन मारपीट करया ना जना के लागीड़े वो बम बाद में ऑपरेशन कराया जी टाइम पे लगभग 6 महीना पहले घर आ भी रिया जी टाइम की बात ही जना आपका पी लिया वे समना जना भी लड़ाई झगड़ा कर रही गई थी तो क्या की लड़ाई होती लड़ाई यही होती आप श्री को मैंने ओड़ी सोड़ी या कोई राजी खुशी और पाछा जी की लड़ाई को दिन करे और पाछा गई थी जो पाछ बिन भी कोई आदमी गल आयो तो ले जा और पाछ छह महीना तीन बड़े रुक गई जी और आंको बाप ये छोरा ने वो फूफे सुसरो रूपास बोलियो कद बत गए तो लड़ाई कर रहे थे आ थोड़ी लड़ाई कर रहे थे कदम तो छिना दो वो आपका बने मुन्ना बुझियो आंको बाप ही ना कदे साला ने बांध दियो कदे पेट कर कदे नींबू नीचो साला कदे टूटा कदे ना ये बोले कदे मन देखो खेट का कदे मारी तो कदे अकतरा पैसा लगा दिया जनाडा को कदे मन मेरा पैसा दे दियो पास जाई मन खिंदाओ कदे ना खिंदाओ पाछे यो तो खै सुन रागो पाछे वो बोले ओला सोला कदे ले जाओ पाछे आंको ई कोई फूफे सुसरा बोले कदे बांका खाणी गाडा ओथरिया छ कदे अर कदे थे लियाओ बांने कदे कोई दूसरा ने खो जन वो दूसरो छोरो आर मन बोले कहते ताई कहते आंको फूफो है खो जैसे मन बल्ला लियो अरबी की गोली दुआई रहे निमड़ रही सिर्फ ज्यादा हो रही जगह से गोली दुआई आई जना या ज्यादा ही हो रही थी देखो हमारा कम से कम 20,000 रुपया लग गया था इन्हें ले रहा है जना और पता नहीं लिया पता ईगो सुसरो ही गयो जो पद ई का सुसरा ने भी बड़े बदलू गया और पता है यार पकड़ लियो हाथ पकड़ लियो और मारा कुटो करियो बड़े और पाछे दूसरे दिन ले रहा था वह तो जना पाछा गया ही कोने पड़े या लेते आए तो अब जहां सारा आरोप थार बेटा के द्वारा मुकेश जी द्वारा लगाए जा रहे हैं पड़े भाई मांगो परिवार तो करे ही करे लेकिन मुकेश जी भी कह रहे हैं आपकी जुबानी कि भाई ये पूरा प्रकरण में तेरे शामिल हो अब वो तो खई गो तो शानू देखो चाहे क्यों भी खस सके चाहे या मैं कोई कमाया कोई बह कुछ हाँ। मुकेश जी से हमारा जेठ लगे ना बस हमारे तो हाथ जोड़ रही यही विनती है कि बस न तो माने कोई मतलब हो और न है और ना अगर रखो और वह आपका कर्म का कारण आपकी लुगाई ने खोदी नहीं और अब टाबरा को भविष्य और खराब कर रहे हैं तो मैं तो कहा कि जेठ जी तर टाबरा की जिंदगी तो सुधार लियो लुगाई तो गई था रास्ते उधर जिंदगी खराब होगी पर टाबरा की तो जिंदगी बचा लियो कहीं भी फिर अंतिम संस्कार भी कौन करियो बाबू भी मैं भाग लियो अंतिम संस्कार का मैंने माने पहले थाना का मैंने बंद कराया भी बड़े और थाना का मैंने ले जा भी बड़े तीन चार दिन तक बड़े राखा माने सारा घर का नहीं लेगा मैं पुलिस कब से लेगी था पुलिस माने सुबह 10:30 बजे ही लीन की थी तो घटना या 12:30 बजे की है सुबह 10:30 बजे लेगी था नहीं वो अपना दिन है ना उस टाइम में अंतिम संस्कार के टाइम में अगले दिन की कहानी है हाँ दूसरे दिन 27 तारीख को 26 तारीख की तो घटना थी और 27 तारीख को वो बोले कि इनको वहां लेके गए फिर वहां थाने में थे हम तो सभी और मैं तपना का मायने कड़िया मैं थाना का मायने उस टाइम का मायने वहां तो बड़े पाबंद कर दिया सारा घर खानी हाँ सब ने घर तो अब कोई लेडीज ये तो यही बाकी मैं आदमी आदमी का सारा भी बड़े जामे इस चीज को तो मारे भी दुख से कि बड़े भाभी जी मारे भाभी गई और तो दुख तो सो यही मारा है लेकिन अब देखो दुखी भी भाभी हो गए और भी अगर टावर जी तो टावरा ने भी लेगा बन टावरा ने भी छुट्टी तो बन भी अच्छी तरह से पालबो बुड़बो वो तो करा ही अगर आने की छुट्टी में बना अब क्या कहना चाहोगा माता जी तो मुकेश जी ने मुकेश जी के खबर चाहूंगे वो आज भी लाश ले रहे जन बोए तो माँ केठी तू लड़ाई करी केठी मां करियो केठी की कारण गई हो की कारण न गई हो टावर से मत सुन ये कड़े जावांगा तो भी कर दिन बाड़ी भी करा तो बोले रहते जना सारा काम होता है प्रशासन की अपील करना चाहोगे प्रशासन से अपील ये करना चाहूंगा कि देखो ये जांच है तो वह भी सही सही सत्य जांच होनी चाहिए जो जगह मैंने जो दोषी है उसको दोषी की सजा भी मिलनी चाहिए कोई भी हो चाहिए वो गलत आरोप लगा रहे हैं ना कि उनको काटा है पीटा है तो हमने ये जांच भी निकलवाई है कि भाई ट्रेन से कटा है कटी है वो ये सब निकलवाए हमें देख लो और तभी तो हमें पुलिस छोड़ी है नहीं पुलिस थोड़ी ना छोड़ती जेल होती और हमारा जेठ जी से यही कहना है कि अगर इनकी जेल भी हो जाएगी
तो भी कोई नहीं, ये तो 5 साल से 10 साल से फिर भी आ जाएंगे, लेकिन वो जिठानी तो वापस जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी। आसपास की खबर हम अपडेट रहने के लिए जलको सिक्कर के साथ यही बना रहो। राम राम।